अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह। डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आप सब की खिदमत में सैयद शहरियार दाऊद की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं रूहानी मसाइल का हल सैयद शहरियार दाऊद के साथ। लिसनर, मैं गुज़िश्ता अरसे कुछ मैंने ऐसे बयानात किए जिसकी मुझे अमेरिका से, कनाडा से और दीगर वेस्टर्न कंट्री, यूरोप वगैरह से बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आया। और जैसे मैंने निकाह के फ़ज़ाइल बयान किए, निकाह की आफात बयान की, हमने जो है ना चार शादियाँ करने के मसले पर तफसील से गुफ्तगू की, जिस पर लोगों ने मुझे बहुत ज़बरदस्त अप्रिसिएशन के मैसेजेस फॉरवर्ड किए, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह हुई कि कुछ ने तनकीद भी की और वो तनकीद बिल्कुल जायज़ थी, बिल्कुल बजा थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं चाहता हूं कि आज मैं इस प्रोग्राम में उन बातों की जिनकी तरफ मेरी तवज्जो नहीं रही, मैं नहीं कह सका, मैं उन बातों को अर्ज़ करने की कोशिश करूं। मैं आज की गुफ्तगू में आज आपसे सवालात करूंगा। आप मुझसे सवालात करते हैं, करें। हमारा facebook.com/festtv नेटवर्क इस वक्त अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फेसबुक पे हमारा जो है प्रोग्राम इस वक्त ये आप लाइव देख सकेंगे, ठीक है ना। और आप वहाँ पर हमारा सवाल भी, अपने सवालात भी पोस्ट कर सकते हैं। हम आपको इसी वक्त लाइव आपके सवालात के जवाबात भी इंशाल्लाह देंगे। हम पर मुसीबतें क्यों आती हैं, हम पर मुश्किलात क्यों आती हैं, सवाल करें। हम किससे सवाल करें? तो सवाल करने के लिए हमारे पास अल्लाह का एक बेहतरीन निज़ाम मौजूद है और उस बेहतरीन निज़ाम का एक मैन्यूल मौजूद है। जैसे हम कभी कोई चीज़ खरीदते हैं, हमने ये जब लैपटॉप ख़रीदा तो इसके साथ हमें एक बुकलेट मिला, एक मैन्यूल मिला, एक किताबचा मिला, उसमें इस लैपटॉप के सारे फंक्शंस लिखे थे, इनको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। और इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम चाहेंगे कि भाई इसको कोई और मतलब के डिस्टर्ब ना करे, तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक पासवर्ड लगा देते हैं। पासवर्ड। हमारे पास एक बेहतरीन किताब है, कुरान अल करीम। हमारे पास इस कुरान को पढ़ना समझने के लिए एक बेहतरीन पासवर्ड है अल्लाह की कुर्बत का, वो है कलमा पाक। पहला कलमा हम हिल हिल कर बचपन में पढ़ते थे ना, पहला कलमा तय्यब, तय्यब यानी पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने पासवर्ड डाल दिया, कलमा पढ़ लिया, अब हम दाखिल हो गए किस में, इस प्रोसेस में, इस्लाम के दीन के ईमान के प्रोसेस में हम दाखिल हो गए। कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमने सवाल किया कि क्या वजह है हम पर मुश्किलें आती हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए सारी मुश्किलें रख दी हैं, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। ये सवालात होते हैं, मैं इसलिए उन सवालात को अर्ज़ कर रहा हूँ। तो फिर कुरान हमारी इस बारे में क्या रहनुमाई फरमाता है? अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। मैं तो किसी जान पर उसकी तकलीफ, उसकी ताकत से ज़्यादा, उसकी वसात से ज़्यादा तकलीफ डालता ही नहीं। ये अल्लाह फरमा रहा है, ठीक है। मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ तर्जुमे का। अच्छा जी, अल्लाह ताला कह रहा है कि भाई मैं फरमा रहा है मैं तुम्हारी ताकत से ज़्यादा तुम पर तकलीफ डालता नहीं। तो फिर ये अल्लाह तकलीफ आती क्यों है? तो फिर अल्लाह ताला जवाब देता है, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, कि तुम जो करते हो तुम्हारे साथ वैसा ही होता है। एज यू सो सो शैल यू रीप, जो तुम बोते हो तुम वही तो काटते हो। यानी अच्छाई करते हो तुम्हारे साथ अच्छा हो जाता है, तुम बुराई करते हो तुम्हारे साथ बुरा हो जाता है। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चाहते हैं। अल्लाह ने कहा मैंने रिस्क का वादा किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है, तो फिर तुम रिस्क कैसा लेना चाहते हो, हलाल या हराम? चॉइस इज अप टू यू नाउ। हलाल तरीके से लोगे तो भी अल्लाह देगा, हराम तरीके से लोगे तो भी मिलेगा, लेकिन उसकी हलाल और हराम होने की वजह से उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें हराम होने की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। हम रोते हैं जी पता नहीं क्या ख़ता हो गई, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। ख़ताएँ तो हम दिन रात कर रहे हैं। जैसे मैंने एक बात अर्ज़ की थी जिस पर ख़वातीन बड़ा खुश हुई थी, और ये मेरी एक बहुत अच्छी बहन है अमेरिका न्यूयॉर्क में, साजिदा आबिद, मिसेस साजिदा आबिद, बहुत प्यारी उन्होंने बात की, मुझे बड़ा अच्छे तरीके से समझाया। 15 मिनट से ज़्यादा का उन्होंने मुझे जो है माशाल्लाह वो खुद आलिमा समझ लगे हैं माशाल्लाह, पढ़ भी रही हैं अभी मज़ीद। उन्होंने मुझे फरमाया कि शहरियार भाई ठीक है, आपने ये सही कहा कि बीवी जो होती है, बंदा जब शादी करके बीवी लाता है तो वो उस बंदे के माँ बाप की मुलाजमा नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन 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 अगर वो बंदा अपनी बीवी लाने के बाद फिर भी अपने माँ बाप ही की खिदमत में लगा रहेगा, जो वाकई उस पर वाजिब है, अगर वो इसके अपने माँ बाप की खिदमत में लगा रहेगा तो बताइए फिर कमाएगा कौन, घर का सिलसिला चलेगा कैसे। तो ये गिव एंड टेक है, ये एक बेहतरीन रिश्ता है, एक बेहतरीन मोहब्बत का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है मियाँ बीवी का, बच्चे यानी लड़के का, दूल्हा का दुल्हन के साथ। क्या तू मेरे दुख सुख की साथी, मैं तेरे दुख सुख का साथी। तू मेरे माँ बाप को अपना समझती है, समझती है, नहीं समझती। आज के दौर में देखिए, जब शरई मैं आपको एक अर्ज़ कर दूँ, ये भी मेरी भाभी ने मेरी तवज्जो इस तरफ तवज्जो दिलवाई, तो उन्होंने फरमाया कि बेटा जब एक बंदा शादी कर लेता जिस औरत से, फिर उसकी माँ उसके लिए हराम हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। इसी तरह जब ये लड़की जिसने जिस मर्द से शादी किया, अब उसका बाप जो है ना उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो गया। तो ये क्या हो गया, बाप बेटी का रिश्ता कायम हो गया, इधर से इस मर्द का अपनी सास के साथ माँ बेटे का रिश्ता कायम हो गया। प्लस ये अगर खुदा ना खासा किसी वजह से डिवोर्स हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों रिश्ते कायम रहते हैं, बाप बेटी और माँ बेटे का, क्योंकि वो फिर ज़िंदगी भर एक दूसरे से निकाह नहीं हो सकता। तो ज़रा सोचिए कि जो औरत यानी आपकी सास और जो आदमी यानी आपका सुसर, इसी तरह लड़के की जो सास और सुसर, जब ये एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए हराम हो गए, बाप बेटी या माँ बेटे का रिश्ता कायम हो चुका, तो माँ बेटे या बेटी अगर अपनी माँ की सास जो उसकी दूसरी माँ होती है उसकी अगर खिदमत कर लेती है तो कैसा, क्या बुराई है इसके अंदर। अगर उसकी अपनी सास की कुछ कड़वी कसीली बातें सुन लेती है तो क्या है, अगर उसको सब्र का देखो ना, अगर सास कुछ बात, अव्वल तो सास को करनी नहीं चाहिए, उसको इसे अपनी बेटी समझना चाहिए। तो फिर क्योंकि ये बेटी अब इसके शौहर के ऊपर हराम ही है ना, ज़िंदगी भर के लिए हराम है, तो इसकी भी बेटी हो गई है। तो अगर वो अपनी बहू को अपनी बेटी तसव्वुर करे, उसके साथ अच्छे तरीके से रहे और उसके साथ बहुत अच्छे तरीके के साथ वो उसके साथ ताल्लुकात मामलात निपटाए, तो इंशाअल्लाह देखिए घर के अंदर कितनी खैर और बरकतें आएंगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। हम सिर्फ एक बात आजकल की, चूँकि सोशल मीडिया बहुत आज़ाद है ना, तो हम खुलकर बात करते हैं। इसमें मैं चाहूँगा, मैं अपने उलमा तबके को रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए ये बात आप बताते हैं ना जब, कि जी बेटी मुलाजमा नहीं है अपने ससुराल वालों की, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन साथ में ये भी तो बताएं कि अगर वो अपने सास ससुर की खिदमत करेगी क्या उसको अजर नहीं मिलेगा, क्या उसको सवाब नहीं मिलेगा। उसने अगर अपने शौहर को अगर उसने खुश रखा, अब उसके माँ बाप को क्या कहते हैं, हैप्पी रख के, खुश रख के उसने अपने शौहर का दिल खुश किया, उस औरत के लिए तो, बीवी के लिए तो जन्नत हलाल हो गई, वो तो जन्नत ही हो गई। ठीक है ना यार, ये सवाल आया तो किस तरह से सवाल पढ़ेंगे, मुझे सवाल पढ़ना नहीं आ रहा। बहरहाल मुझे बताइएगा सवाल, कंट्रोल रूम प्लीज़, कि ये सवाल किस तरह आया है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये अपने शौहर का दिल खुश करने में इस तरह कामयाब होती है कि ये अपने क्या कहना चाहिए, अपने सास और ससुर का इनका ख्याल रखती है, इनके खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, चीज़ों का ख्याल रखती है, तो क्या बुरा करती है। कितना आसान है इसके लिए जन्नत कमाना, कि ये अपने शौहर का दिल खुश करे, ये अपने शौहर की दिलजोई करे, ये ऐसे अमाल स्वालिहा करे जिससे इसका शौहर खुश होता हो। तो फिर देखिए इसके लिए दुनिया भी जन्नत और इसके लिए आखिरत की जन्नत। जी ठीक है, तो अब मुझे बताया जा रहा है कि आपने लेना है ब्रेक, यानी मैंने लेना है ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्यों, हमारा ब्रेक होता है बहुत मुख्तसर। हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू करना चाहेंगे, मैं चाहूँगा मज़ीद कुछ इल्मी बातें आपकी खिदमत में पेश करूँ, ताकि ये जो आज हमारे घर लड़ाई झगड़े का, फसाद का गढ़ बन चुके हैं, इसको हम गोशा आफियत किस तरह बना सकते हैं। मिलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ गए हैं अब दोबारा आपके साथ और आपको कर रहे हैं वेलकम। बहुत खूबसूरत एक सवाल आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अर्ज़ ये है, मेरा सवाल ये है कि हम क्यों तहकीक नहीं करते ज़िंदगी और मज़हब के इसके साथ कनेक्शन क्या है। बहुत खूबसूरत सवाल है कि हम ये तहकीक क्यों नहीं करते कि मज़हब का ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है, कनेक्शन क्या है। ज़रा सुन लीजिए। जनाब बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया है ये, तो सुनिए ज़रा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें क्या फ़रमाया है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। दुआ मंगवाइए, ए अल्लाह तू हमें हसनात दे, भलाइयाँ अता फ़रमा। किसकी? दुनिया की। व फिल आखिरत हसना, और फिर आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमा। वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें आगे अज़ाब कि आग से बचा ले। पहले दुनिया फिर आखिरत, ये क्या बात है? जब दुनिया की कोई अगर वैल्यू नहीं है तो फिर वर्थ नहीं है, तो फिर आखिरत का क्या ताल्लुक़ है? तो सुन लीजिए, मेरे आका ने बहुत आसान फरमा दिया इस मामले को। क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि दुनिया आखिरत की खेती है। जो हमने एक इंग्लिश का मकोला इडियम पढ़ा है ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा जो तुम बोगे वही कुछ तुम काटोगे। तो पता चला कि दुनिया का आखिरत के साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट है, कनेक्शन है। हमें उसको सिर्फ समझना होगा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका में, सरकार अलैहिस्सलाम की शख्सियत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए क्या फरमाया? ये उसवाए हसाना है। ये वो शख्सियत हैं कि इनको तुम अगर फॉलो करोगे तो तुम दुनिया के अंदर बेहतरीन हो जाओगे। कैसे? माइकल एच. हार्ट ने एक किताब लिखी, दी 100 दी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ दी हिस्ट्री। एक किताब लिखी जिसके अंदर उसने 100 शख्सियात के नाम लिखे, और जो वो शख्सियात थीं जिन्होंने इस दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात से एक असर छोड़ा हो। तो उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर इतनी शख्सियात आईं, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम आए वो आए। और फिर इन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियाँ, गांधी का नाम दिया, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम दिया, अबू बकर सिद्दीक का नाम दिया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का नाम दिया, बहुत सारी शख्सियत के नाम दिए। लेकिन उसने कहा कि आई विल रैंक ऑन द टॉप पोजीशन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद अलैहिस्सलाम को टॉप रैंक दिया है। मुझसे सवाल किया गया, किससे? माइकल एच. हार्ट से सवाल किया गया कि व्हाई डिड यू गिव हिम द टॉप रैंक। तो उसने कहा बिकॉज आई फाउंड मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही वाज द मोस्ट कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड द best personality, not even in the religion field, but I found him most complete and comprehensive in the secular field too. मैंने दुनिया की खाली दीनी मजहबी मैदान के अंदर इनको मुकम्मल और कामिल और अकमल नहीं पाया, बल्कि मैंने इनको दुनियावी मामलात के अंदर भी सबसे कामिल और अकमल पाया। कैसे? कि बेहतरीन शोहर रसूल करीम अलैहिस्सलाम, बेहतरीन बाप आका अलैहिस्सलाम, बेहतरीन दोस्त आका अलैहिस्सलाम, बेहतरीन रहबर आका अलैहिस्सलाम, बेहतरीन कायद आका अलैहिस्सलाम। यानी दुनिया का जिस फील्ड का आप रैंक ले लें, अगर उस पोस्ट पे कोई सबसे कंप्लीट मुकम्मल है तो वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे साथ एक और सवाल आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मायूसी कुफ्र है, लेकिन इंसान हैं और बेबस देखकर मायूसी आ जाती है, इससे निकलने का कोई तरीका बता दें। बहुत अच्छी बात की आपने कि जी इंसान जब बेबस हो जाता है तो वो मायूस हो जाता है। तो याद रखिएगा, मायूसी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद में फ़रमाता है कि मेरी रहमत से मायूस मत हो। किसी बुज़ुर्ग का कौल है कि जो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहता है वो कभी मायूस नहीं हुआ करता। फिर कहता हूँ, जो शख्स अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहता है वो कभी मायूस नहीं हुआ करता। कैसे? जब उसको पता चल जाता है कि मेरा हकीकी मालिक, खालिक, राज़िक कौन है? अल्लाह है। तो मेरा मालिक वो है, तो मालिक अपने ग़ुलाम पर कभी जुल्म नहीं करता। मेरा राज़िक वो है, राज़िक जो है ना कभी भी अपनी मखलूक को जो है ना भूखा नहीं मारता। मेरा पालनहार कौन है, मेरा रब कौन है, मुझे पालने वाला कौन है, मेरा अल्लाह है। तो फिर मुझे मायूसी किस बात की। हाँ, फिर वही बात कि मुझ पर बुराई आती है, क्यों आती, मैं बुरा करता हूँ, इसीलिए मुझ पर बुराई आती है। अच्छा करूँगा मुझ पर अच्छाई आएगी। अच्छा, फिर मुझ पर अगर आजमाइश आई है, पूछा मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि ज़रा ये तो बताइए कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह तबारक हम जो इस परेशानी में है, ये परेशानी हम पर आजमाइश है या हमारे गुनाहों का सबब आई है ये मुश्किल। तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, उस मुश्किल के आने के बाद अगर तुम अल्लाह से दूर हो गए हो तो ये तुम्हारी शामत अमाल है। इसका मतलब है तुम वाकई गुनाह में, किसी अल्लाह की पकड़ में, अल्लाह के अजाब में हो। और अगर तुम उस मुश्किल के आने के बाद अल्लाह के करीब हो गए हो तो समझ लो ये आजमाइश है और तुम्हें अल्लाह ताला ठोक बजा के चेक कर रहा है कि आया तुम अपने रब की तरफ आते हो या मायूसी या सख्ती की इस मुश्किल के अंदर अपने रब को भूल जाते हो। और होता भी यही है कि हम बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं। मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत छमाछम बरस रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता, हदीस कुदसी कहते हैं कि बोलने वाला अल्लाह और ज़बान रसूल करीम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला फरमाता है, सबका तो रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भारी है। मेरी रहमत, अल्लाह की रहमत क्या है, गज़ब पर, अल्लाह के गज़ब पर भारी है। तो अल्लाह के गज़ब को कौन सी चीज़ मिटाती है, जहन्नम की आग को कौन सी चीज़ ठंडा करती है, पता है, दो आंसू, एक आंसू। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस शख्स की आंख से अल्लाह के खौफ से या अल्लाह की मोहब्बत कह लें, अल्लाह के खौफ से, हदीस में तो ये अल्फाज कम व बेश है, इस तरह मैं मफहूम अर्ज़ करता हूँ कि जिस शख्स की आंख से अल्लाह के खौफ से मक्खी के सर के बराबर, कितना सा सर होता है मक्खी का, मक्खी के सर के बराबर आंसू निकल जाए खशियत अल्लाह के खौफ से, तो अल्लाह तबारक ताला उसके जिस्म पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहमदी, सुभान अल्लाह अज़ीम। तो मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स एंड लिसनर्स, ज़रा गौर कीजिए, हमने अपने अल्लाह को कितना राज़ी किया, हम अपने अल्लाह की तरफ कितना बढ़े। हम बढ़ते नहीं हैं। वो मुश्किलें, वो परेशानियाँ, वो आजमाइशें जो हम पर आती हैं, क्या हमने कभी उसके ऊपर गौर किया कि क्यों आती हैं? यकीनन हमारे शामत आमाल। हम अपनी लाइफ का थोड़ा सा मुहासबा करें। दिन दिया काम को, रात दी आराम को। क्या हम दिन को काम कर रहे हैं, रात को आराम कर रहे हैं? सवाल अपने आप से पूछ लें। जब हम लेटें, हम सोचें कि यार आज सारा दिन मुझसे कोई खैर का काम हुआ? क्या मैंने कभी किसी को कुछ दे के खुश किया? मेरा रब तो सवालात पे खुश होता है। मायूसी कुफ्र क्यों है? मायूसी कुफ्र इसलिए है कि मायूस एक शख्सियत है कायनात में, उसका नाम है शैतान। वो हमेशा के लिए मायूस है क्योंकि उसको अब दोबारा नहीं दाखिल रहमत हो सकता वो। तो क्या हम शैतान के भाई हैं? क्या हम शैतानी खसलतें रखते हैं? नहीं, हमें होंगी हमारे अंदर शैतानी खसलतें, लेकिन हमने रहमानी खसलतों को लाना है। हमने अल्लाह अज़्ज़ोजल की तरफ बढ़ना है, उसकी जानिब हाथ बढ़ा के तौबा करके दुआ मांगनी है, वो ज़रूर माफ़ कर देगा। ये बहुत छोटी सी बात है, हम अक्सर बचपन से सुनते आए कि फ़लाँ चीज़ पढ़ो। जैसे अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मैं तुम्हें अर्श के खजानों में से खजाना देता हूँ। पूछा, या रसूलल्लाह वो क्या? फरमाया, सुभान अल्लाह व बिहमदी, सुभान अल्लाह अज़ीम। ये पढ़ लिया और फजर के बाद एक तस्बीह, इंशाअल्लाह तुम्हें अर्श के खजानों ये मिल जाएगा। फिर मेरे आका ने फरमाया, तुमको पता है फजर से पहले की जो सुन्नतें हैं वो क्या हैं? पूछा, या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया, ज़मीन और आसमान के दरमियान, दुनिया और माफिया, दुनिया जो कुछ इसके अंदर है, आसमान और दुनिया के बीच में जो कुछ भी है, सोना चांदी हीरे जवाहरात माल दौलत पानी सब कुछ। फरमाया, ज़मीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी है उन सबसे अच्छी चीज़ ये दो सुन्नतें हैं। हम कितना पढ़ते हैं फजर की दो सुन्नतें फ़र्ज से पहले की। मेरे आका ने फरमाया, हमारा नबी के फरमान पर इतना है ही कितना, हमारा यकीन कितना है। एक और सवाल आया, मायूस होना क्या बशर के बेबस होने की तस्दीक नहीं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। मायूस होना बशर के बेबस होने की तस्दीक नहीं। आदम ने भी मादल्ला सुमा मादल्ला, ये सवाल करने वाले ज़रा अपनी सवाल की आप तस्हीह कर लें, जिसने भी किया है कि आदम मादल्ला, आदम अलैहिस्सलाम ने जो जो आपसे खताए इज्तिहादी हुई है, इसको खताए इज्तिहादी कहा जाएगा, गलती नहीं कहा जाएगा। अल्लाह ताला ने नबी और रसूल गलतियों से मासूम पाक पैदा फरमाए, वो नहीं गलती करते। ये जो कुछ भी हुआ ये अल्लाह अज़्ज़ वजल की मशीयत इज़्ज़ी से हुआ। दुनिया में आना, दुनिया बसाना, ये सब अल्लाह अज़्ज़ वजल का एक सिस्टम था। उसको आप ये नहीं कह सकते कि जी माज़अल्लाह ये आप तौबा कर लें कि माफ़ी मांगना अगर सिखाया गया ना तो इसलिए सिखाया गया कि ताकि बंदा अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ रगबत करता रहे, वो मायूस कभी ना हो। और याद रखना, मायूस होना बंदे की, वो लोग जो अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ अल्लाह अज़्ज़ वजल की ज़ात से मायूस हो जाते हैं, वो असल में अपने आप को शैतान से बचा नहीं सकते। इसी बचाना उनके हक में, उनके इख्तियार में है। जो चाहें कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ वो बढ़ जाएं तो इंशाअल्लाह वल्लाह वो बढ़ जाएंगे। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह वल्लाह वक्त हुआ चाहता है ख़त्म, और हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह वल्लाह कल। इस उम्मीद पर आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारा और आपका हामी और नासिर हो। याद रखिएगा अपनी दुआओं में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।